हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 से। क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको बुक में दी हुई है। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो टेबल है, इस तरह का टेबल बना हुआ है बुक के अंदर, ये लोगों की प्रेफरेंस दिखाता है कि कितने लोगों को कौन सा कलर पसंद है। ब्लू 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन 9, रेड कलर 6 लोगों को पसंद है और येलो कलर 3 लोगों को पसंद है। और टोटल हैं, जो टोटल पीपल हैं जिनका ये सर्वे किया गया है, जिनसे पूछा गया है, वो है 36। इसका आपको पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट बनता है आपका सर्कल पे। सर्कल पे पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सेंट्रल एंगल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब एंगल होगा तभी तो आप सर्कल के अंदर डिवीज़न कर पाएंगे। तो इसके बाद आपको सेंट्रल एंगल निकालना होगा। अब जैसे ब्लू के लिए सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जितनी टोटल चीज़ होती है ना, उसको हम नीचे लिखते हैं 36। यानी 36 में से ब्लू कलर कितने लोगों को पसंद है, 18 को। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा जब भी आपको सेंट्रल एंगल निकालना होता है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 360 डिग्री ही होता है। अब इसको सॉल्व करते ही आपका एंगल आएगा 36 और ये 360, ये कट गया आपके 36 1 पे और ये 10 पे। 18 टेंस आर 180 डिग्री। तो सर्कल के ऊपर 180 डिग्री का जो पोर्शन होगा वो आपका ब्लू कलर से या ब्लू नाम से दिखाया जाएगा। सेकंड है ग्रीन। ग्रीन के हिस्से में कितना है, 36 लोगों में से 9 लोगों को ग्रीन कलर पसंद है। अब इसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए इसको भी हम 360 डिग्री से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा 360 से ही करते हैं। 360 से इसलिए करते हैं क्योंकि पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और यहाँ से हमको जो एंगल पता चलता है, उतने एंगल तक का जो हिस्सा होता है वो हमारा वो पोर्शन होता है जो हमें दिखाना होता है। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी आपका कटेगा 360 1 पे, 360 10 पे। 10 9 ज़ार 90 डिग्री। तो ग्रीन के हिस्से में 90 डिग्री का पोर्शन आएगा सर्कल के ऊपर। इसके बाद है रेड। 36 लोगों में से 6 लोगों को रेड कलर पसंद है। ये तो फ्रैक्शन हुआ। इसको मल्टीप्लाई 360 से करेंगे, 360 डिग्री से, तो आपको सेंट्रल एंगल पता चलेगा। ये कट गया 36 1 पे, 36 10 पे। 6 10 ज़ार 60 डिग्री। तो रेड के हिस्से में 60 डिग्री आएगा। लास्ट है येल्लो। 36 लोगों में से 3 लोगों को येलो कलर पसंद है। मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री। तो 36 ये 36 1 और 36 10 ज़ार 360, 3 10 ज़ार 30 डिग्री। इस तरह से सेंट्रल एंगल निकाला जाता है। सेंट्रल एंगल निकलने के बाद आपको बनाना होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो बनाएंगे आप एक सर्कल। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये सर्कल का सेंटर है। सबसे पहले सेंटर से एक रेडियस बना लेते हैं। ये पहला काम है। ये आपने एक रेडियस बना लिया। अब आपको दिखाना है सबसे पहले ब्लू कलर। ब्लू कलर का जो एंगल है, सेंट्रल एंगल है, वो है 180 डिग्री। इस रेडियस के ऊपर अपने डी को रख के आपको 180 डिग्री का एंगल बनाना है। अब एंगल बनाने का बड़ा ध्यान रखना आप कि ये जो लाइन होती है ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर, रेडियस के ऊपर आनी चाहिए। ये जो यहाँ पे इसमें डी में ये जो पोर्शन दिख रहा है बिल्कुल सेंटर, ये बिल्कुल इस डॉट पे आना चाहिए, सेंटर पे, इस तरह से। अब क्योंकि एंगल आपका यहाँ से बनेगा तो ज़ीरो आपको देखना है अंदर है कि बाहर है। ज़ीरो यानी कि शुरुआत, तो ये तो अंदर वाली तरफ है, तो अंदर वाली गिनती को आपको कंसिडर करना है। यहाँ ज़ीरो से चले अंदर ही अंदर और 180 तक पहुँचना है आपको। ये आ गया 180। 180 के सामने बिल्कुल ऐसे यहाँ पे डॉट लगा लें। अब इस डॉट को और ये जो आपका सेंटर है सर्कल का, इसके बिल्कुल स्ट्रेट रख के अपने स्केल को अंदर ही अंदर सर्कल के अंदर तक की एक लाइन को कंप्लीट कर दें। ये पोर्शन, ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। और ये जो पोर्शन है ना आपका, ये ब्लू है। इस तरह आप इसके अंदर ब्लू लिख दें। अगर आपके पास कलर्स हैं तो कलर से आप इसको पेंसिल कलर से ऐसे ब्लू कलर शेड भी कर सकते हैं, दिखने में अच्छा भी लगता है इस तरह का पाई चार्ट। चलिए इसके बाद है ग्रीन। ग्रीन कलर के हिस्से में आता 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप इस लाइन के ऊपर, तो थोड़ा सा पेज को आपको टर्न करना पड़ेगा। इस लाइन के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो डी को रखना बहुत सावधानी से आपको। ये बिल्कुल जो
सेंटर है, ये इसके सेंटर में आना चाहिए, ये जो आपको यहाँ पे सूरज दिखाई देता है, और लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अब क्योंकि जीरो अंदर की तरफ है यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अंदर की तरफ देखना है कि 90 कहाँ पे है, ये 90 है, तो 90 के सामने बिल्कुल ऐसे डॉट लगा लें, और फिर सेंटर से इस डॉट के बिल्कुल स्ट्रेट अपने स्केल को रख के और अंदर ही अंदर का पोर्शन ऐसे कंप्लीट कर लें। तो ये जो एंगल आया है ये है 90 डिग्री, और 90 डिग्री किसके हिस्से में आता है, ग्रीन के में, यहाँ पे आप ग्रीन लिख देंगे। अगर आपके पास कलर है तो ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। ग्रीन के बाद है रेड, रेड का है 60 डिग्री, तो इस लाइन के ऊपर अब आपको 60 का एंगल बनाना है। तो मैं पेज को ऐसे कर लेता हूँ अपनी सुविधा के हिसाब से, इस लाइन के ऊपर मुझे 60 का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले लाइन के ऊपर लाइन रखते हैं और सेंटर से बिल्कुल इस मिड पॉइंट को जोड़ेंगे ऐसे। अब यहाँ 60 का एंगल बनाएंगे तो 60 आ रहा है मेरा, ये रहा ना अंदर ही अंदर, ये 60 है, यहाँ डॉट लगा दिया, इससे होते हुए बिल्कुल सेंटर पर ऐसे सर्कल के अंदर अंदर लाइन खींचेंगे ऐसे। तो ये 60 डिग्री है और 60 डिग्री आता है रेड के हिस्से में, तो यहाँ पे रेड लिख देंगे। लास्ट बचा येलो, येलो है 30 डिग्री। अब जो लास्ट बचेगा ना ये ऑटोमेटिक आपका 30 डिग्री ही आ जाएगा, इसका कुछ बनाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में जो बचेगा वो रिमेनिंग ही बचेगा। ये 30 डिग्री है और ये है येलो, ये बन गया आपका पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में आप कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो चार्ट होते हैं ना ग्राफ वगैरह, ये कलरफुल अच्छे लगते हैं। जैसे यहाँ ब्लू था तो यहाँ पेंसिल से ब्लू शेड कर सकते हैं, ये ग्रीन है यहाँ ग्रीन कलर कर सकते हैं, ये रेड है यहाँ रेड कलर कर सकते हैं, ये येलो है यहाँ पर येलो कलर कर सकते हैं। इस तरह से आपका पाई चार्ट बनता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।